हेलो गाइस, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। तो दोस्तों, कैसा रहा मिशन सीएमओ, इसके बारे में इस वीडियो में विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही इस परीक्षा में कितना जाने वाला है कट ऑफ, कितने बच्चे जाएंगे इन, कितने बच्चे होंगे आउट, सारी चीज़ें जो हैं इस वीडियो में देखेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि क्या रहा रिजल्ट आपका एपेक्स स्टडी के साथ जुड़ने में, क्या रहा आपका फ़ायदा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ नगर मुख्य नगर पालिका अधिकारी परीक्षा वर्ष 2018-19 में जो 150 प्रश्न आए थे दोस्तों, उसमें से 36 ऐसे प्रश्न थे जिसे एपेक्स स्टडी ने आपको बतलाया था। ठीक है, हमारी किसी न किसी वीडियो में जो है उस प्रश्न के बारे में डायरेक्ट जो है बताया गया था कि ये प्रश्न आपको देखने मिलेगा करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल डायरेक्ट जो है सेम वो प्रश्न जो है देखने के लिए परीक्षा में मिले। तो इस हिसाब से कह सकते हैं दोस्तों कि काफ़ी सही वे में जो है आपको पढ़ाया जा रहा था। मिशन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जैसे भूगोल था, ठीक है ना, तो भूगोल से 2 प्रश्न आए हैं जो कि हमारी इस वीडियो में बताए गए थे। इतिहास के 10 प्रश्न आए दोस्तों, प्राचीन, मध्य और आधुनिक मिला के अगर देखा जाए तो ऐसे 10 प्रश्न हैं जिसको जो है वीडियो में बताया गया था। इसके अलावा लोक प्रशासन के मैंने बहुत ही लिमिटेड वीडियो बनाए थे। कई बच्चे बोले सर और बनाओ, बट हम लोगों क्या करते हैं, काफ़ी विश्लेषण करने के बाद जो है वीडियो बनाया जाता था। कुछ लोग कहते थे सर बहुत कम वीडियो डाल रहे हो ऐसे करके। तो देखो, ऐसा है, पढ़ने के लिए महासागर है, अथाह है ना, लेकिन सबको नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, पेपर के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं देखनी पड़ती है दोस्तों, विश्लेषण करना पड़ता है। एक वीडियो बनाने के लिए आपको यकीन नहीं आएगा, कम से कम 10 से 12 घंटे लगते हैं। ठीक है, 5-10 मिनट का वीडियो रहता है, लेकिन उसके पीछे का सही वीडियो बनाना है ना। और काफ़ी विश्लेषण करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे विश्लेषण में, एनालिसिस में भी लग जाते हैं, कभी कभी 2-3 दिन तक लग जाते हैं कि क्या बनाया जाए, क्या आने वाला, हर चीज़ को हर वे से देखना पड़ता है, इसके बाद जो है वीडियो बनाया जाता है। ठीक है, कई बच्चे कह दिए थे कि कुछ स्टूडेंट थे कह दिए थे मैं नाम नहीं लूँगा कुछ स्टूडेंट कह दिए थे कि मुफ्त का ज्ञान बांट रहे हैं, देख लो सिलेबस के अंदर है कि नहीं है। तो मैं ऐसे स्टूडेंट से बिल्कुल विनम्रता से कहना चाहूँगा कि अभी आप लोगों को जो है सिलेबस की समझ नहीं है, यू आर अ स्टूडेंट। ठीक है, और आप लोग एक बच्चा कहा था मुझसे कमेंट में कि सर फरवरी तक का जो है आपको जो है करंट अफेयर आएगा। मैंने कहा था कि अप्रैल तक का करंट अफेयर देखना है, रिसेंटली बिल्कुल पूछता ही है। और आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि किस प्रकार से मसूद अजहर का करंट अफेयर जो है प्रश्न पूछा था, बिल्कुल एग्जाम के 3 दिन पहले घटना घटी थी और पेपर छपने के जस्ट पहले जो है ये घटना घटी थी और ये जो चीज़ जो है प्रश्न भी पत्र में आपको देखने मिली थी। पब्लिक एड के बारे में बात कर रहा था, पब्लिक एड के मैंने मात्र 2 वीडियो डाले थे दोस्तों, और दोनों ही वीडियो से जो है डायरेक्ट प्रश्न जो मैंने बताया था, एक पोस्ट कोड के बारे में आपको और एक लूथर ग्रुप का XY सिद्धांत बताया था, ये दोनों प्रश्न जो है आए थे। ठीक है ना, इसके अलावा और बात करेंगे, हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। देखिए, हिस्ट्री से काफ़ी प्रश्न आए हैं, करीब 10 प्रश्न जो है हिस्ट्री से आए हैं जो कि एपेक्स स्टडी के द्वारा आपको पढ़ाए गए थे दोस्तों। जैसे कि सबसे पहले प्रश्न बात करते हैं आपको, इसमें जो है देखिए, तो देखिए जो सेट बी आया था उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे हम लोग कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपको देखने के लिए मिले जो कि एपेक्स स्टडी ने आपको सजेस्ट किए थे या आपको पढ़ाए थे। तो देखिए, सेट बी के अंतर्गत जो 16 नंबर का प्रश्न था वो आया था कि भोरम देव इनमें से किस राजवंश की या किस नागवंश से संबंधित है। ठीक है ना, तो ये प्रश्न जो है दोस्तों आपके, हमारी जो वीडियो है आपके छिंदक नागवंश, फड़ी नागवंश, नागवंश वाला जो वीडियो है उसमें फड़ी नागवंश वाले से जो है ये प्रश्न जो है पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों 52 नंबर पर क्वेश्चन नंबर 52 की, ठीक है, 52 नंबर का प्रश्न आया था कि असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किन लोगों ने की थी। तो ये भी असहयोग आंदोलन वाला जो हमने वीडियो डाला था उसमें से प्रश्न जो है डायरेक्ट पूछा गया। इसके अलावा 53 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, सुमेलित कंठा सूबेदारों के बारे में, ठीक है, तो मराठा शासन से जो है संबंधित वीडियो डाला गया था, उसमें एकदम क्लियरिटी के साथ ये चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया था और बिल्कुल जो मस्त उसमें से क्वेश्चन आपको 53 और 54 है ना, मतलब 2 क्वेश्चन मराठा शासन से आए थे, एक तो दोनों जोड़ी मिलाने के लिए आए थे और दोनों ही प्रश्न जो है हमारे द्वारा सजेस्ट किया गया था वीडियो में और बिल्कुल ये प्रश्न आपको देखने के लिए परीक्षा में मिले। इसके अलावा दोस्तों कलचुरी वंश की बात करेंगे तो आपको जाके देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के में कलचुरी वंश के वीडियो डाले गए थे और इसमें से जो है आपका 55वां नंबर का प्रश्न, कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, ठीक है, 56वां नंबर का प्रश्न देखने को मिला रत्नदेव द्वितीय के बारे में, ये भी आया आपका। और 57 नंबर का प्रश्न आया था कि रायपुर शाखा के शासक में कौन सी उपाधि वगैरह धारण करते थे। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न जो है आपको
हमारी वीडियो से देखने के लिए आपको मिले हैं। इसी प्रकार से अगर देखा जाए प्राचीन इतिहास की बात करेंगे तो 58 नंबर का प्रश्न जो है सेट बी का, इसमें राजवंश और शासक आए थे और ये जितने राजवंश है दोस्तों सभी राजवंश के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड कर रखे थे, ठीक है। इसके अलावा 59 का क्वेश्चन जो है वो भी प्राचीन वंश से संबंधित आया था, ये भी प्रश्न जो है आया था, मैंने बिल्कुल स्पेशली ये चीज़ को उपाधियों के बारे में भी इस वीडियो में बता रखा था। साथ ही 60 नंबर का प्रश्न था कि इनमें से छिंदक नागवंश में निम्नलिखित शासक संबंधित थे नहीं थे, छिंदक नागवंश वाला भी स्पेशल अलग से एक वीडियो बना रखा था मैंने, जिन बच्चों ने देखा होगा उनसे अभी क्वेश्चन जो है बहुत ही आराम से बना होगा। इसके अलावा 62 नंबर का प्रश्न जो था मोर ध्वज के समय इसे संबंध में, ये भी जो है हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित वीडियो से प्रश्न आया था। इसी प्रकार सातवाहन वंश का वीडियो प्रश्न जो है दोस्तों आपका इस वीडियो से पूछा गया था। इसी प्रकार जियोग्राफी से जो है दोस्तों जियोग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़ करके कई वीडियो जो है पोस्ट किए गए थे, जिसमें से आपके आपके छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ मिट्टियों पे एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने बना रखा था, तो उसमें से डायरेक्ट प्रश्न आया था लाल पीली मिट्टी सबसे, तो कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में है ये प्रश्न आया था। इसके अलावा जो मैदान है तो छत्तीसगढ़ का मैदान करके भी एक वीडियो बना रखा था, उसमें भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था, उससे भी जो है प्रश्न जो है आपके परीक्षा में आपको देखने के लिए मिले हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए दोस्तों और अगर हम नियमावली की बात करते हैं, ठीक है, तो नियमावली वगैरह में से जो है नगर पालिका वाला वीडियो रिसेंटली ही मैंने पोस्ट किया था, बकायदा है ना, छत्तीसगढ़ नगर पालिका करके और छत्तीसगढ़ नगर निगम करके दो जो मैंने स्थानीय शासन करके वीडियो पोस्ट किया था, तो नगर पालिका वाले में से करीब 9 प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 107 112 115 116 117 118 119 120 और 122 पूरे के पूरे 9 प्रश्न जो हैं दोस्तों इस वीडियोस में जो मैंने समझाया था आप लोगों को बताया था बिल्कुल डायरेक्ट प्रश्न जो इसमें से आए हैं। देखिए कई सारे नियमावली में चैप्टर थे, मैंने सेलेक्टेड ही बनाया था, आप लोग कई लोग सोचे भी होंगे कि ये छूट गया वो छूट गया, क्योंकि मैंने बताया आपको कि काफ़ी विश्लेषण के बाद जो है ये वीडियो बनाए जाते हैं, तो उसके अनुसार जो अपन जो विश्लेषण एनालिसिस किए थे एनालिसिस बिल्कुल सही गया और जो है आपको प्रश्न अधिक से अधिक जो है देखने के लिए मिले, ठीक है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता से भी जो है प्रश्न आपको देखने के लिए मिले हैं, ठीक है, जोड़ी मिलाने के लिए आया था, एक आध दो बच्चों ने कमेंट किया था कि आउट ऑफ कोर्स पढ़ा रहे हो आप ऐसे करके, सब जो है एक लाइन का सिलेबस दिया रहता है उसको पकड़ के बैठे रहते हैं, मैंने समझाया भी था कि कई सारी चीज़ें होती हैं कई सारे फैक्टर्स होते हैं सब तरह से जोड़ उड़ के देखना पड़ता है कि ये चीज़ आएगा कि नहीं आएगा क्या चीज़ है, ठीक है, उसके बाद ही जो है वीडियो को बनाया जाता है, हमको भी शौक नहीं रहता है इतनी सारी मेहनत करने का, मेहनत ऐसा करो जिसका रिजल्ट जो है आपको मिले या हमको मिले, ठीक है ना। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न आपको देखने मिले होंगे। इसके अलावा जो परिसंकट में पदार्थ के भी बारे में मैंने आपको समझाया था बताया था, ठीक है ना, तो परिसंकट में पदार्थ से भी संबंधित प्रश्न जो 150वां प्रश्न जो है देखने के लिए मिला था। भू राजस्व संहिता से भी जो है मैंने जो वीडियो डाला था शायद एक ही वीडियो डाला था भू राजस्व संहिता में, और उसमें से दोस्तों आपको 138 और 138, ठीक है, दो प्रश्न जो है बिल्कुल सेम प्रश्न है, इसमें कोई बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैंने जो समझाया था बिल्कुल सेम उठा के दे दिया है प्रश्न को, ठीक है ना। इसी प्रकार से 139 नंबर का जो क्वेश्चन था भारतीय दंड संहिता से हत्या के बारे में किस धारा में बताया गया, ये भी मैंने क्वेश्चन जो लिया था और बिल्कुल ये प्रश्न जो है आपके परीक्षा में आपको बिल्कुल सेम देखने को मिला है। जिन बच्चों ने इन वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखा होगा दो तीन बार देखा होगा वो बिल्कुल खुश हो गए होंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों एनालिसिस किया जाए तो देखा गया कि छत्तीसगढ़ मुख्य नगर पालिका अधिकारी परीक्षा से जो है एपेक्स स्टडी के द्वारा जितना भी वीडियो सजेस्ट किया गया जो बनाया गया उसमें से 36 प्रश्न किसी भी संस्था द्वारा जो इस तरह से पढ़ाया नहीं जाता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी जो है विश्लेषण करना पड़ता है, देखना पड़ता है, कई सारी कमेंट्स आते हैं, थोड़े से निगेटिव वाले भी कमेंट आ जाते हैं, थोड़ा आदमी डिमोटिवेट भी हो जाता है, बट जो है थोड़ा सा संभल के चलना पड़ता है, समझना पड़ता है कि भाई सामने वाले को जो है उतना ज्ञान नहीं है नॉलेज नहीं है समझ नहीं है एग्ज़ाम की। तो खैर दोस्तों वो सब बात की बात है यार, है ना, लेकिन आप लोगों को मेरे ख्याल से एपेक्स स्टडी के साथ जिन बच्चे जुड़े होंगे उनको अच्छा लगा होगा कि हाँ भाई जो पढ़ा हम लोगों ने उससे प्रश्न जो है हम लोगों को जो है देखने के लिए मिले थे, ठीक है। मैं लास्ट तक जो है लास्ट मोमेंट तक मैं कोशिश कर रहा था कि जो भी मेरे पास अपडेट आ रहे थे मैं आपको बता रहा था, जो मेरे दिमाग में आ रहा था कि नहीं भाई ये भी देख लेना चाहिए वो भी देख लेना चाहिए। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो सजेस्ट किया था आपको आदिवासी विद्रोह वगैरह को देख लेना करके, नगर निगम के जो आपकी योजनाएँ हैं इसको देख लेना। खैर तो आदिवासी विद्रोह को मैंने सजेस्ट किया था लेकिन जो है वो थोड़ा सा इंडिया का पोस्ट दिया, लेकिन कहने के मतलब ये दोस्तों कि जो वे था ना जो सोच थी कि नहीं विद्रोह से जो है आ सकते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल विद्रोह से दो क्वेश्चन आए थे, ठीक है, लेकिन खैर छत्तीसगढ़ के आदिवासी विद्रोह से तो नहीं आए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो आपका एक वीडियो है पहले का अपलोडेड वीडियो है
उसमें से वो प्रश्न पूछा था, ठीक है। मतलब जो बच्चे थोड़े पुराने वीडियो को देखे होंगे जाके, तो बिल्कुल वो वीडियो उसमें अपलोड था और उसमें से जो आपको प्रश्न देखने के लिए परीक्षा में मिले थे। इसके साथ ही साथ ही दोस्तों अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए सिलेबस की बात करते हैं पहले, है ना, कि कई बच्चे कहते हैं कि आउट ऑफ कोर्स आप बता रहे हो करके सर। लेकिन देखिए मैं आपको बताऊंगा कि आज के डेट में जो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। हम 11वीं 12वीं का नहीं कि सिलेबस जो लिखा है क्वेश्चन आया और मस्त सवाल बनाया और पास हो गया, है ना, ऐसा नहीं है। उसमें भी प्रश्न नहीं बनते हैं, ठीक है, जो सिलेबस दिया उसमें भी नहीं बनते। लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह में ऐसा नहीं होता है, जो सिलेबस दिया है वो चीज़ें जो हैं परीक्षा केवल आयोग, जो भी आयोग होता है वो जो है, ये नहीं है कि सिलेबस दे दिया और उसमें से आप बनाओ और पास हो जाए, ऐसा नहीं है। वो आपकी जागरूकता को देखता है, आप कितने एक्टिव पर्सन है, कितने जागरूक पर्सन है, कितना नॉलेज है, एक व्यवहारिक रूप से भी देखता है ना। तो हर चीज को एनालिसिस करने के बाद जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कई लोग कहते हैं आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आ गए, कभी आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन नहीं आता है, कहीं ना कहीं से रिलेट रहता है वो कोई प्रश्न, ठीक है ना। तो इसी के अनुसार मैं कहना चाहूंगा कि कभी भी आप पूरा सिलेबस पर डिपेंड होकर ना पढ़े, ठीक है ना। थोड़ा रिलेट करके पढ़े, जो करंट में चल रहा है उससे हमेशा अपने पाठ्यक्रम को रिलेट करके पढ़े, तो आप कभी भी जो है असफल नहीं होंगे, ठीक। तो इसलिए जो दूसरी बात मैं कहूँगा कि करंट अफेयर जो है कब तक का पढ़े, कहाँ तक का पढ़े, ऐसे करके भी रहता है। तो देखिए करंट अफेयर की बात करोगे तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक का करंट अफेयर पूछ दिया है, ठीक है ना। तो इससे कभी ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाओ कि एक महीना पहले का पूछेगा, बाद में पूछेगा, छः महीने का पूछेगा, ये पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। एक एज ए जागरूक पर्सन जो है ना आपको रहना है। देखिए अब इतना करंट अफेयर पढ़ाया हमने और क्या पूछा आपको, मसूद अहमद अजहर के बारे में पूछ दिया, ठीक है। तो ये चीज़ दूसरी है। तीसरा कहा जाएगा दोस्तों कि देखिए नेक्स्ट अपन जो वीडियो अपलोड करने वाले हैं, अब जो वीडियो आएगा वो आपका शिक्षक भर्ती परीक्षा के संबंध में ही आएगा, ठीक है। और कुछ बच्चे पूछे थे कि पीएससी वगैरह नहीं पढ़ाओगे कैसे, तो पीएससी भी दोस्तों बिल्कुल पढ़ाऊंगा मैं, 10-20 दिन के बाद जो है बिल्कुल पीएससी का भी पढ़ाऊंगा। और यदि कोई बच्चा मेंस वगैरह की तैयारी कर रहा होगा तो उसके लिए भी वीडियो जो है बिल्कुल प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है ना। आप कमेंटमेंट कर देना आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, सब अवेलेबल हो जाएगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे मेन, जिसका जो है आप सबको बेसब्री से इंतजार है। और देखिए कट ऑफ के बारे में मैं बताने वाला हूँ कितना कट ऑफ जाएगा, और मैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अब मेरे मन में जो आया मैंने लिख दिया बता दिया, ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया काफ़ी जो एनालिसिस करना पड़ता है। कई चैनल वाले जो कब से कट ऑफ डाल दिए हैं, कई बच्चे देख भी लिए होंगे, लेकिन मैंने बताया आपको कल, जैसे मैंने रात में जो है वीडियो डाल दिया हड़बड़ी में, कई बच्चों ने कमेंट किया सर दिशा ये नहीं है, दिशा ये नहीं है। तो वही चीज़ होता है यार, हड़बड़ी में काम गड़बड़ी हो जाता है। तो खैर सेकेंड वीडियो मैंने अपलोड किया, उसमें मैंने बता दिया, साथ ही एक पीडीएफ भी डाल दिया जिसमें जो है सब क्वेश्चन जो है बिल्कुल डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, तो आप देख लेना। अब बात करते हैं मिशन सीएमओ के अंतर्गत जो है आप लोगों ने इतना अच्छा पढ़ाई किया, हमारे साथ जुड़े रहे, अब एग्ज़ाम दिया, अब कट ऑफ कितना जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूँ पेपर जो है दोस्तों काफ़ी सरल और सिंपल आया था, जो 2010 में प्रश्न पत्र आया था उसके अनुसार तो काफ़ी सरल और सिंपल आया था। जैसा कि मैंने कहा था कि प्रश्न सिंपल आएंगे, ठीक है ना। कुछ बच्चे थे कि थोड़ा कठिन दीजिए तो बहुत सरल है, ऐसा है वैसा है। तो देखिए आप लोग भी देख रहे हो गया है ना यार, सिंपल प्रश्न आए थे, सीधे सीधे प्रश्न आए थे, ज़्यादा घुमावदार प्रश्न नहीं आए थे। चलिए बात करते हैं कट ऑफ कितना जाएगा। तो देखिए क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सामान्य वर्ग वाले बच्चों की। देखिए जिन बच्चों का 110 प्लस आएगा, है ना, 110 पाँच ज़्यादा हो सकता है, पाँच कम हो सकता है, ठीक है, तो 110 प्लस आएगा उन बच्चों का जो है मान के चल रहे हैं कि जो है उनका सिलेक्शन जो हो सकता है, मेरे को ये 110 बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। इतना सही होगा तब जाके जो है अंक जो है 220 से 230 के बीच में अगर आता है ना, उन बच्चों का चांस हो सकता है घटाने के बाद, माइनस मार्किंग करने के बाद जो है उन बच्चों का जो है चांस बन सकता है, ठीक है ना। 220-230 के आसपास अगर मिलता है तो जो है उन बच्चों का चांस जो है बनेगा, ठीक है ना। आप जानते हैं माइनस मार्किंग में कई सारी गलतियां भी किए रहते हैं बच्चे, तो उसको घटाने के बाद 1/3 काटेगा, उसके बाद ही जो है आपका जो है इसमें सिलेक्शन जो है पॉसिबल हो सकता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं एसटी एससी ओबीसी वर्ग की बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इस कैटेगरी में अगर मान लीजिए आप लोगों का 90 प्लस होता है, ठीक है ना, 90 प्लस मतलब क्या है, ये प्रश्न की संख्या है, ठीक है, सही प्रश्नों की संख्या है, इसमें भी 10 कम 10 ज़्यादा हो सकता है। इसमें यदि बच्चों आपका 170 से 180 नंबर जो है घटाने के बाद मिलता है तो आप मान के चलिए कि इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ माइनस मार्किंग घटाने के बाद जो गलतियाँ हुई रहती हैं उसका 1/3 काटने के बाद जो है यदि 170 से 80 के अंदर नंबर आता है तो आप मान के चलिए कि आप श्योर हैं इंटरव्यू के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। और ये मान के चलिए कि अगर बिल्कुल 130 प्लस या 180 प्लस हो रहा है तो बिल्कुल श्योर है वो होना ही होना है, उन बच्चों को तो बल्ले बल्ले है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों सामान्य वर्ग के लिए 110 प्लस प्रश्न है, एसटी एससी के लिए 90 प्लस प्रश्न है, सही, ठीक है।
सामान्य वर्ग के लिए 230 अंक है और एसटी एससी बच्चों के लिए जो है 180 अंक प्राप्त करते हैं, तो ये बच्चे मान के चलिए कि सेलेक्ट हो जाएंगे, रहेगा कि आपका सिलेक्शन जो है हो सकता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ बता दूं, नगर पालिका मुख्य परीक्षा के लिए अपन इंटरव्यू के लिए भी जो है वीडियो में पोस्ट करूंगा, यदि बच्चे आप लोग डिमांड करेंगे तो, ठीक है ना। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा और यदि बच्चे डिमांड करेंगे कि सर थोड़ा इंटरव्यू वगैरह के बारे में प्रिपरेशन करवा दीजिए, तो मैं उस पर भी जो है कुछ वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। पूरा तो नहीं करा सकता, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, है ना। क्योंकि देखो क्या है, भ्रम में रखना बहुत बड़े अपराध है ना, भ्रम में नहीं रखना चाहिए। जो मुझे लगे कि इस पोर्शन को मैं आपको अच्छे से कवर करवा सकता हूँ वो पोर्शन मैं आपको कराऊंगा, जो पोर्शन मुझे नहीं लगे कि ये पोर्शन मैं आपसे नहीं करवा सकता तो मैं क्लियर आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आपका वीडियो, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है सीएमओ की परीक्षा, जो मिशन सीएमओ हम चला रहे थे उसके अंतर्गत कितना सक्सेस रहा चैनल, कितना आप हमसे जुड़े और आपको क्या फ़ायदा रहा, और साथ ही साथ जो है कितना इसमें कट ऑफ जाने वाला है और फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अब मैंने जैसे बताया कि अब जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो है आपका फॉर्म भरा रहा है, थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है, इसके चलते लेट हो रहा है, हो सकता है डेट वगैरह बढ़ जाए और उसको समय मिलेगा बच्चों को अप्लाई करने के लिए। इसके बाद जो है हम लोग जो दो चार दिन से ही इसके वीडियो जो है प्रोवाइड कराना आपको शुरू करवा देंगे, ठीक है ना। और साथ ही साथ यदि मेंस का कोई बच्चा सेलेक्ट हुआ है और मेंस के लिए अगर वो हमसे डिमांड करता है तो मेंस के लिए भी जो है उसके लिए वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। और साथ ही साथ ही पीएससी प्री की भी जो तैयारी जो है बिल्कुल जिसका टाइम आएगा तो बिल्कुल करना ही करना है, वो तो मेन में है, ठीक है, तो करेंगे ही। तो अभी के लिए काफ़ी इतना है, काफ़ी मेरे ख्याल से दोस्तों, है ना। तो फिर से जो है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए काफ़ी सारा धन्यवाद, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।